हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे दो दो बहुत ही मज़ेदार कविता, ठीक है, जो कि बहुत ही फनी है, तो फनी अंदाज में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा सर्कस के अंदर। सर्कस आप लोगों ने देखा है, ठीक है, तो सर्कस के अंदर की कविता है जो भी है यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहुँचे सर्कस के अंदर, कार चलाता देखा बंदर। जब हम सर्कस के अंदर पहुँचे, कार चलाता देखा बंदर। वहाँ पे एक कार चला रहा था, जो बंदर था वो कार चलाता रहा था, ठीक। उसके बाद क्या होता है, कुत्ता साइकिल चला रहा था, बंदर पानी पिला रहा था। मतलब जो कुत्ता है वो साइकिल चला रहा था। अब बताओ, कुत्ता भी साइकिल चलाता है? कुत्ता साइकिल चला रहा है, बंदर पानी पिला रहा है, ठीक। बंदर पानी पिला रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, काला भालू नाच रहा था, तोता पुस्तक बाँच रहा था, ठीक है। मतलब जो तोता है वह पुस्तक बाँच रहा है, मतलब पुस्तक को पढ़ रहा है। और यहाँ पे काला भालू नाच रहा था और तोता पुस्तक बाँच रहा था। काला भालू जो था नाच रहा था, और जो भी है यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ दे इसको, सर्कस के अंदर, ठीक। हम पहुँचे सर्कस के अंदर, कार चलाता देखा बंदर, कुत्ता साइकिल चला रहा था, बंदर पानी पिला रहा था, काला भालू नाच रहा था, तोता पुस्तक बाँच रहा था। कितना मज़ेदार है ना, इसे आप पढ़ना ज़रूर अच्छे से, ठीक। अब अगला यहाँ पे देखते हैं, बंदर मामा। दूसरा है यहाँ पे बंदर मामा, दूसरा कविता है बंदर मामा, ठीक। तो बंदर मामा पहन पजामा, बंदर मामा पहन पजामा, कुर्ता डाले निकल पड़े, दिखा नहीं केले का छिलका, पैर पड़ा तो फिसल पड़े। कितनी मज़ेदार है ना। तो जो एक बंदर मामा होते हैं, जो कि यहाँ पे बंदर मामा पहन पजामा, बंदर मामा पैजामा पहनकर और वो कुर्ता डाले निकल पड़ते हैं, और कुर्ता पहनते हैं और निकल पड़ते हैं, चल देते हैं घर से, ठीक। उसके बाद क्या होता है, दिखा नहीं केले का छिलका, और ज़मीन पर केले का छिलका पड़ा होता है जो कि उनको दिखता नहीं, और वो पैर पड़ा तो फिसल पड़े, और उससे पैर रखते हैं और धड़ाम से गिर जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो जब गिर जाते हैं तो इनकी हो जाती है हड्डी टूट जाती है पीछे की, फिर ये आई माई सॉरी मतलब फिर उसके बाद करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा कविता है, दोनों ही बहुत ही मज़ेदार कविता है, तो आप लोग इसे पढ़ो तो बहुत ही मज़ेदार, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप लोगों को भी उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने ही छोटे बच्चों को, जैसे जो जो भी छोटे बच्चे हैं जो जिनको हिंदी पढ़ना बहुत कम आता है या फिर सीख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।